देश आजादी का जश्न मना रहा था, हर कोई देशभक्ति में सराबोर था, लेकिन देशभक्ति में एक युवक ने ऐसा स्टंट कर दिया जो उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। वायरल वीडियो दिल्ली का है, देखिए। घर की छत पर खड़ा युवक और हाथ में उठाई स्काई शॉट। पंद्रह अगस्त को कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर कोई आजादी के जश्न में डूबा था, लेकिन दिल्ली के कमला मार्केट थाना इलाके से ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबको सन्न कर दिया। घर की छत पर खड़े इस युवक को देखिए, पीछे दिखाई दे रहे घरों की छतों पर तिरंगा शान से लहरा रहा है, गानों की धुन सुनाई दे रही है। फरमान नाम का ये युवक हाथ में स्काई शॉट लिए आजादी का जश्न मना रहा है। हाथ में स्काई शॉट उठाए फरमान नाम का युवक स्टंट दिखा रहा है, लेकिन 13 सेकंड के वीडियो में जो होने वाला है शायद इस शख्स ने कभी नहीं सोचा होगा। एक शॉट, दूसरा शॉट और फिर ऐसा धमाका जिसकी चपेट में युवक पटाखे के बक्से में नीचे से आग लग गई और ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना जोरदार कि हर कोई सन्न रह गया। दिल्ली के कमला मार्केट में फरमान नाम के एक शख्स को आजादी के उत्सव के दौरान लापरवाही के चलते जान से हाथ गंवाना पड़ा। अगर बात करें तो फरमान ने आजादी के उत्सव के दौरान 15 अगस्त को अपने घर पे ही स्काई शॉट पटाखे चलाने शुरू किए, जिसके बाद उसने हाथ में पूरे बॉक्स को उठा लिया था, लेकिन अचानक से वो बॉक्स में आग लग जाती है और पूरे पटाखे का बारूद उसके सर पे आके लग जाता है, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल होता है। उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन इसकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। जिस तरीके से अगर बात करें तो आजादी का उत्सव वो मना रहा था और उसके बाद स्काई शॉट पटाखे को वो छत गीली होने के कारण हाथ में पूरे बक्से को उठा लिया था और अचानक से बक्से में आग लग गई, जिसके कारण पूरा जो बारूद था स्काई शॉट का वो उसके सिर पे आ गया और गंभीर रूप से झुलसने के बाद उसकी मौत हो गई है। कृष्ण धर्मरत्न के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।